देखिए अभी जैसे कि पहले हम बेस बताए थे, बेस के अनुसार एक चीज छूट गया था, उस पर ध्यान देंगे, इस पर ध्यान देंगे। होता है क्या, प्लस इनटू प्लस इक्वल टू प्लस, अगर 3 प्लस 3 है तो 9 होगा, प्लस का प्लस ही होगा। अगर माइनस इनटू माइनस है तो साइन हमेशा माइनस का होगा, लेकिन क्या उसको हम लोग प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस करते हैं, यानी माइनस टू, अगर माइनस टू है तो 4 होगा, लेकिन उसके आगे हमेशा क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अगर माइनस इंटू प्लस होगा तो माइनस होगा, लेकिन अगर माइनस 10 है प्लस 2 है तो बड़ा तो ये हो गया माइनस वाला, तो माइनस वाला में से 2 गया, इसलिए बड़ा वाला का साइन आगे होगा, जो बड़ा होगा उसका साइन आगे होगा। अभी जैसे क्वेश्चन बताए थे कि अभी बेस बताने पर कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ है 2a प्लस 3a इक्वल टू 10, तो क्या करना है, ये तो जुड़ेगा 3a है और 2a है और 3a, तो क्या होगा 3 2 5 5 के दोनों का ऐड कर दिया, 5 के बराबर 10, a इज इक्वल टू 10 पहले से यहाँ इंटू में, इसलिए ये चला गया डिवाइड है, तो 5 चीज को डिवाइड करके a इज इक्वल टू 2, ये सिंपल है, समझ में आया होगा। दूसरा 4a माइनस 2a बराबर 10a माइनस 2a, यानी इधर भी इक्वल टू का, इधर भी है आपका 4a, इधर भी माइनस है, क्या करेंगे इस सेम वाला को एक तरफ रखेंगे, यानी सेम सेम डिजिट का, यानी इसके साथ ये है, ए वाला इधर है, ये इधर आएगा, जब भी ये इधर जाएगा बराबर का इधर जाएगा तो हमेशा क्या होता है, अगर माइनस है तो इधर प्लस होगा, और यहाँ प्लस होता तो इधर माइनस होता, तो यहाँ क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया, 4 ये पहले से है, ये चला गया माइनस था प्लस 2a। अब देखो प्लस 2a बराबर 10 का 10 है, अब देखो यहाँ पे माइनस 2 है, ये सेम कास्ट का है, दोनों में देखो ये नहीं है, सेम कास्ट का हो गया, माइनस है, ये भी इधर आया तो क्या हो गया प्लस में आ गया, यानी 4 और 2 यानी 6, 6a बराबर 10 और 2 12, यानी a बराबर 12/6, यानी कट के 2 आंसर आया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, यानी 2a सेम चीज, ये क्वेश्चन जो है उसी तरह से है, 2a प्लस 2 बराबर माइनस 2a माइनस a, तो 3a पहले से है, अब देखो बराबर का इधर है माइनस 2a, तो इधर आ गया क्या हो जाएगा प्लस 2a बराबर माइनस 8 पहले से है, ये क्या प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, ये दोनों का ऐड करो तो 5a बराबर माइनस और माइनस प्लस होता है, इस तरह यहाँ बताए थे माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन हमेशा इसके आगे क्या होगा माइनस होगा, 8 2 10 यानी ये माइनस हो गया, ये बराबर 10/2 यानी माइनस 2 इसका आंसर आ गया। पांचवा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 3 3 × 2 + 4a बराबर 3 × 5 − 3a, अब इसको कैसे करेंगे, 3 2 6 + 4a 3 5 15 − 3a, अब सेम चीज जो पहले क्वेश्चन बताए थे, अब एक एक कास्ट का एक तरफ करेंगे, 6a 4a पहले से यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे 3a ये क्या माइनस में, इसीलिए इधर आ गया प्लस में बराबर, यहाँ 15 पहले से प्लस में है, कोई भी डिजिट का आगे अगर कुछ भी नहीं है तो वो प्लस में होता है, तो ये प्लस में आ गया, अब देखो −6 क्योंकि ये प्लस में कुछ नहीं है तो प्लस में, इसीलिए इधर आके क्या हो गया माइनस में, तो 4 × 7 = 7a बराबर 15 + 6 = 9 a = 9/7, इस तरह से बहुत सारा भी क्वेश्चन और भी देंगे जो आप लोगों को बनाना है, ये सारा सॉल्व करके समझाए, बेसिक फाइंड द वैल्यू कुछ भी एक्स वाई जेड किसी का भी फाइंड करना है, ये बेसिक को पूरा कंप्लीट रखना है, और जो पहले बेस बना है उसके अनुसार क्वेश्चन बनाया जाएगा, तो कभी गलत नहीं होगा, इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे, और अभी आगे और क्वेश्चन देंगे जिसको आप लोग को बनाना है, अभी जस्ट क्वेश्चन देंगे बना के दिखाना है।